हेलो दोस्तों, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ आलू सेम की रेसिपी, जो बहुत ही आसान है बनाने में और कम सामान में, जो आपके किचन में सामान है उससे ही ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो हमने आलू सेम ले लिए हैं, 4 टमाटर हैं, 1 प्याज, लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और अदरक है। अब हम इसे धो के काट लेते हैं। सब चीज़ों को हमने काट कर तैयार कर लिया है। अब गैस पे हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें मैंने यूज़ किया है सरसों का तेल। आप चाहें तो आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा भुनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, या आप इसे काट के भी डाल सकते हैं। जब ये थोड़ा भुन जाए तो अब इसमें डालेंगे हम हींग। हींग डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। आंच को हम ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे, धीमी रखेंगे। अब प्याज भून चुकी है, अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक और इसे 1 सेकंड के लिए भूनना है। अब इसमें डालेंगे सेम जो हमने काटी थी और आलू। दोनों को डालने के बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसालों में जाएगा सबसे पहले हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। इन सबको डालने के बाद हम इसे 2-3 मिनट ढंग से भूनेंगे। भूनने के बाद अब हम इसे ढक के रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। 5-10 मिनट ढकने के बाद हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी और इसे आप बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये तली में ना लगे। अब हम इसे ढक के रख देंगे और देखिए 5-10 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी तैयार है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डाला हमने गरम मसाला और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम डालेंगे हरा धनिया। सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे पराठों के साथ, पूरी के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं और खाने में बहुत ही स्वाद लगती है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।